और ये देखिए गाइस, दो तीन दिनों से हमारे यहाँ तो इस प्रजाति को मच्छी बोलते हैं, बट दो तीन दिनों से हमारे नाक में दम करके रखा है। सो रियली गाइस, मुझे आज सुबह कॉलेज जाना था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इन मच्छियों की वजह से मैं आज सुबह तो जा नहीं सका। अब सारी मच्छी को इकट्ठा कर लिया है और सबको डालते हैं कूड़ेदान में। है यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैं जब भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, पता है कि लेट हो गया था क्योंकि हमें कल रात को सोने में देरी हो गई थी, क्योंकि कल हमारी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, वो अभी मिड 2। तो यही कारण था आज सुबह लेट उठने का। और मेरा दोस्त जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था वो तो अभी सो ही रहा है, बस मैं उठ के नहा धो के रेडी हो गया हूँ। तो अभी का कार्यक्रम तो देखते, फिलहाल तो पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। और ये देखिए गाइस, दो तीन दिनों से हमारे यहाँ तो इस प्रजाति को मच्छी बोलते हैं, बट दो तीन दिनों से हमारे नाक में दम करके रखा है। हमने तकरीबन 3 से 4 बार पूरे रूम को साफ किया, लेकिन फिर भी ये मच्छी पता नहीं कहाँ से आ जा रही है। हमने पूरा रूम 4 से 5 बार साफ करके सारी मच्छी को बाहर निकाला था और कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जा रही है। ये देखो, इसकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी सर्विस इसको बाहर फेंक रही है, देखिए। और अभी यहाँ भी देखिए, पूरी मच्छी मच्छी हो रखी है, आपको दिखाता हूँ पास से। ये पूरी, ये देखिए, ये पूरी यहाँ पे इकट्ठी कर दी है और फिर से हमें ये रूम फिर से हमें साफ करना पड़ेगा। कर लेते हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही है ये मच्छी। तो हमें पूरा रूम फिर से साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, हाँ ये देखिए, आपको मैंने बेड के नीचे भी, ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मैं सोया था वहीं पे मेरे नीचे ही ये सारी मच्छियाँ। मेरी पेन ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी है, और यहाँ तो भाई साहब मेला जमा रखा है यहाँ पे मच्छियों ने, तो इसका तो कुछ करना पड़ेगा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सो रियली गाइस, मुझे आज सुबह कॉलेज जाना था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इन मच्छियों की वजह से मैं आज सुबह तो जा नहीं सका। दोपहर के बाद जाऊंगा खाना खाने के बाद, और फिलहाल तो यहीं पे ही पढ़ाई कर लेता हूँ। और यहीं पे पढ़ाई करने के लिए पहले ये सफाई करनी पड़ेगी, सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल रूम को फिर से क्लीन कर लेते हैं। ये देखो, मेरे बेड के पास से ही इतनी सारी मच्छियाँ निकली यहाँ से, और मेरा बेड था यहाँ पे, और मच्छियों की तादाद देखो, बता नहीं एक ही दिन में इतनी सारी मच्छी कहाँ से आ जाती है। अब सारी मच्छी को इकट्ठा कर लिया है और सबको डालते हैं कूड़ेदान में, और इसको सबको भी ठिकाने लगा गया थे। मैंने अभी अभी पूरा रूम साफ किया था, और आपको रुको दिखाता हूँ, ये देखिए फिर से आ गई मच्छी, बता नहीं कहाँ से आ जा रही है, ये देखिए, ये तो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रही फिर से इसका झुंड वापस से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया है, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग। देखो यहाँ पे कोने पे मैंने सफाई की थी, ये आ गई एक, ये नहीं करना था, ये देखिए, करे तो क्या करे, नाक में दम करके रखा है मच्छियों ने, तो क्या हो सकता है, फिर से निकाल देते हैं यहाँ से बाहर। रूम को साफ किए हुए सिर्फ 10 सेकेंड ही हुए थे, और 10 सेकेंड में इतनी सारी मच्छियाँ, भाई साहब कलेश कर दिया, कलेश हो गया यहाँ पे। मैंने पूरा रूम 2 से 3 बार साफ कर दिया, लेकिन मच्छियों ने पता नहीं क्या यहाँ पे डेरा डाल दिया क्या, आए जा रही है, भाई साहब नाक में दम करके रख दिया मच्छियों ने, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, 40-50 यहाँ पे, 20-30 यहाँ पे, 10-12 यहाँ पे, 100 मच्छियाँ इकट्ठी हो गई इतनी ही देर में, पता नहीं क्या रखा है हमारे रूम में, हम तो यहाँ पे खाते भी नहीं है और कुछ खाना भी नहीं खाते यहाँ पे,
मच्छियां आती कहां से है पता लगाना पड़ेगा। दया गड़बड़ है कुछ। दया ओ दया कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ गड़बड़ है दया, पता लगाना पड़ेगा कि ये मच्छियां आखिर आती कहां से है। तो मैं सारा सामान यहाँ पे रख रहा था और यहाँ पे देखो मच्छियों की तादाद बढ़ती जा रही है और हम इनको बाहर निकालते जा रहे हैं। मच्छियों को बाहर निकाल दिया है और अब मैं थक गया हूँ, तब इसको छोड़ते साइड में और अपने पढ़ाई में ध्यान देते हैं। तो अभी दोपहर को 12 बजने को आए और फिलहाल जा रहा हूँ मैं खाना खाने। तो आज खाने में वटाने का साग, भात, छाछ और 3 रोटियाँ तो अभी आ रही है। तो अभी खाना खा के रूम पे पहुँच गया हूँ और अभी कुछ प्लान है कॉलेज में जाके पढ़ाई करने का। तो अभी कॉलेज के कपड़े पहनते हैं और निकलता हूँ कॉलेज की ओर। तो फाइनली कॉलेज के कपड़े पहन के रेडी हो चुका हूँ और अब चलते हैं कॉलेज। कॉलेज जाऊँगा मैं अपनी बाइक से। तो फाइनली मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँ और अपनी बाइक पीछे पार्किंग में पार्क कर दी है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मुझे नींद आ रही है, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि कल एग्ज़ाम है। तो रूम पे जाके ही आराम करूँगा, अभी तो कुछ भी हो जाए पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो अभी शाम के 5 बजने को आए और अभी जाना होगा मुझे रूम पे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का जो रीडिंग रूम है वो सिर्फ शाम के 5 बजे तक ही ओपन रहता है और उसके बाद क्लोज हो जाता है, तो फिर सुबह खुलता है। तो अभी जाना होगा मुझे रूम पे। मैं को अभी चलता हूँ रूम पे यहाँ से। फाइनली मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ और आके कपड़े भी चेंज कर लिए और रूम पे आते ही देख लिए ये मच्छी का कलेश चालू फिर से मेरे बेड के पास से भी मैंने निकाली, वहीं से ही यहाँ से ही सारी मच्छियाँ निकाली और ये भी यहाँ पे इकट्ठी की है। अब इसको वापस से डालेंगे कूड़ेदान में। अभी जो मच्छी का काम था वो तो सब कर लिया है और अब करता हूँ थोड़ा सा आराम। और शाम के 8 बजे अभी जस्ट मैं उठा हूँ, सो गया था। अब ये पक्का व्लॉग में आएगा, तो देख ये व्लॉग में आने वाला है। आप सब 8 बजे जस्ट मैं उठा हूँ और अभी चलता हूँ खाना खाने के लिए। इसको व्लॉग में लेना पड़ेगा, अब तो ये व्लॉग में आएगा, आप देखना आएगा। बना बना बना। लेकिन मच्छियों ने पता नहीं क्या यहाँ पे डेरा डाल दिया क्या, आए जा रही है आज आए। तो बस अभी शाम के 8 बजे अभी जस्ट मैं उठा हूँ और उठ के जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। बोल